है यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। और ये ना पूछो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, और ये ना पूछो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। जब वो आते हैं तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, मेरे उस्ताद अकराम और मेरी प्यारी नदीम तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज इस बाबरकत मौका पर आप सभी, मैं और तमाम उस्ताद अकराम, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, और 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी अकरम नूरे मुजस्सम, आका के प्यारों के आका, कमजदों के कमजदा, बेसहारों के सहारा, आकाए दो आलम, महबूबे खुदा, रब्बे कायनात के महबूब, आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ़ फरमा हुए। यानी वो मुबारक दिन, वो आज ही का वो दिन था कि जब इस रूए ज़मीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम छूने का शर्फ हासिल हुआ। तो इस नेक काम का आगाज़ करने से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करते हुए चलते हैं। वो क्या फरमाते हैं, ज़रा गौर से सुने। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी कि हम कोई भी नेक काम करते हैं, और नेक काम करने से पहले अगर हम नियत नहीं करते तो वो नेक काम हमारे कोई फायदे नहीं आता। तो इस बाबरकत महफिल में इसका आगाज करने से पहले हम छोटी छोटी नियतें कर लेते हैं। सभी नियतें कीजिए और जरा ध्यान से, और जब भी जो भी नियत करें तो उसके आखिर में इंशाअल्लाह का इजहार जरूर करें। हम सभी, आप सभी और मैं भी ये नियत करती हूँ कि इस महफिल मुस्तफ़ा में पूरे मुहतब तरीके से शिरकत करेंगी और शरीक रहेंगी, बिला वजह इधर उधर देखने से, महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ फरमा होने से जो हमें नेकियाँ मिलेंगी, इधर उधर बिला वजह अगर हम देखेंगे तो हमारी नेकियाँ जो हमें हासिल होने वाली हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। तो इसका एहतियात कीजिए, बिला वजह एक दूसरे से बातें ना कीजिए, उंगली से या बालों से एक दूसरे को छेड़ते हुए, इधर उधर देखते हुए नेकियों के साथ होने का अंदेशा है। और महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से बैठे, अपनी निगाहों को नीचे किए हुए, बिला वजह इधर उधर देखने से। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस पूरी महफिल में जब कभी भी जिक्र या नामे गरामी आएगा तो हम इंशाअल्लाह उनकी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से किया जाता है कि जिस तरह शायर अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाने के लिए शायरी का सहारा लेता है, बिल्कुल इसी तरह मैं अल्लाह की ज़ात की बात पर, जो कि बहुत वसी है, अगर बयान करना चाहूँ तो भी बयान नहीं कर सकती, लेकिन उसके मैं चंद अशआर आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहती हूँ। ज़रा आपकी कलम जो है वो गोरे तलब जो है वो आपकी समाप्त करना चाहूँगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरी रात दिन में छुपी छुपी, मेरा दिन छुपा किसी रात में, मेरी रात दिन में छुपी छुपी, मेरा दिन छुपा किसी रात में, मेरी जिंदगी एक राज है, कोई राज है मेरी बात में, मैं जहाँ कहीं भी उलझ गई वहीं गिरते गिरते संभल गई, मैं जहाँ कहीं भी उलझ गई वहीं गिरते गिरते संभल गई, मुझे ठोकरों से पता चला मेरा हाथ किसके है हाथ में। अब मैं तिलावत के लिए, तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देती हूँ हिफ्ज़ क्लास से अनाया अकबर को कि वो आए और अल्लाह के बबरकत नाम से महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आगाज करें।
Do
नाम में अगर देखा जाए अल्लाह के नाम में है इंसान। ये बात बहुत गहरी है, जरा गौर से सुने कि अल्लाह के नाम में ही है इंसान, कि अल्लाह का ताल्लुक इसी की लकीर जैसा है। अल्लाह क्या ताल्लुक इंसान के साथ एक सीधी लकीर जैसा है, जिसके एक सिरे पर अल्लाह है तो दूसरे सिरे पर इंसान। अगर वो लकीर बिल्कुल सीधी है तो फिर क्या है कि अल्लाह इंसान के बेहद करीब है, और अगर वो अलिफ टेढ़ा है, इंसान अगर वो अलिफ को टेढ़ा कर दे तो बंदा अल्लाह से बहुत दूर हो जाता है और अल्लाह भी उस बंदे की कोई पकड़ नहीं रखता। तो अगर देखा जाए तो गौर करें कि ये टेढ़ा इंसान कैसे करता है, या अलिफ को कैसे टेढ़ा कर दिया। इंसान करता है अपने आमाल की वजह से, अपने आमाल की वजह से वो अल्लाह की जात तक पहुंच भी सकता है और अपने ही आमाल की वजह से अल्लाह से दूर हो सकता है। अब मैं हमने बारी ताला के लिए मदू करना चाहूँगी मिस फिजा को कि वो आए और महफिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने बारी ताला से मुअत्तर करें। तेरी शान है अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाह जल्ला जलालो, अल्लाह जल्ला जलालो, तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाह जल्ला जलालो, अल्लाह जल्ला जलालो। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा, तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, और मेरी रूह की है यही गिदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालो, अल्लाह जल्ला जलालो, तेरी शान तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाह जल्ला जलालो, अल्लाह जल्ला जलालो, जो हिसाब मेरे दा
लब पे नाते जनाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो। मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाह जल्ला जलालुह, अल्लाह जल्ला जलालुह, तेरी शान दामन को उन्हीं की याद में दिल को लगाना अच्छा लगता है। अब मैं नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू करना चाहूँगी मशल को कि वो आए और यहाँ पर नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी होश गुज़ार करें। I
काश मैं